हेलो फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संयम बनाए हुए हैं और अपने घर पर रह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जैसा कि मैं बहुत सारी स्टडीज देख रहा हूँ आजकल कि क्या चीज है जो लोग समझना चाहते हैं या लोगों के लिए समझना जरूरी है। सबसे पहले एक डिबेट हमारे सामने आती है कि क्या हमारे लिए बेटर है, क्या हमारे लिए सोप बेटर है या हमारे लिए सैनिटाइजर बेटर। तो एक ये डिबेट हमारे सामने फिलहाल के टाइम में सबसे ज्यादा है, जिसपे कुछ भ्रांतियां भी हैं लोगों को, क्योंकि सैनिटाइजर थोड़ा ग्लैमराइज लगता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो कई लोगों को वही लगता है कि एक सैनिटाइजर ही बेस्ट है, सोप वो काम नहीं कर सकता। तो मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि क्या ज्यादा कारगर है। बट मेरा काम यह सिर्फ ये नहीं है बताना कि क्या कारगर है, मेरा काम यहाँ ये है कि मैं बताऊं कि ये क्यों कारगर है। तो बेसिकली कोई सोप, कोई साबुन जो है वो किसी वायरस पर एक्ट कैसे करता है। तो खास तौर पर बात ये है कि कोई भी वायरस किस तरीके से बना होता है। एक वायरस एक तरह से एक कपड़े पर जैसे गंदगी होती है, उस तरीके से हम उसे ले सकते हैं। एक वायरस जो है उसके ऊपर बेसिकली, बाकी सारे पार्ट्स हम छोड़ते हैं, मोटा मोटा उसके ऊपर एक फैट की लेयर होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि किसी सर्फ के अंदर, किसी डिटर्जेंट में या किसी भी सोप के अंदर क्या कंस्ट्रक्शन होती है। कोई भी सोप जो होता है उसके मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट उसका ऐसा होता है जो जाकर किसी भी तेल से, किसी भी ऑयल से चिपक जाता है, और दूसरा पार्ट ऐसा होता है जो पानी से चिपक जाता है। तो क्या होता है कि मान लो जैसे आप कपड़े धोते हैं, तो कपड़ा आपने पानी में डाला सर्फ के साथ, तो उस कंपाउंड ने क्या किया, उसने एक पार्ट में गंदगी को पकड़ लिया और उसके एक पार्ट ने पानी को पकड़ लिया। तो उसके बाद जब आप कपड़ा उस पानी से बाहर निकालते हैं तो कपड़ा बाहर आता है और वो गंदगी उससे पानी से जुड़कर उसी में रह जाती है। सो बेसिकली ये खास बात होती है किसी भी डिटर्जेंट में, कोई डिटर्जेंट काम कैसे करता है। तो जब आप किसी सोप से, किसी साबुन से आप हाथ धो रहे हैं, तो हाथ धोते हुए कोई भी जो वायरस है, मैंने आपको बताया कि उसकी बाहर की लेयर जो है वो एक तरह के फैट से बनी होती है। वो फैट क्या है, वो फैट एक तरह का ऑयल, एक वसा है। तो कोई भी सोप उसका एक पार्ट उस वसा से जुड़ जाता है और एक पार्ट पानी से जुड़ जाता है। तो जब आप उससे धो रहे हैं तो इस सारे खींचतान के अंदर जो वायरस है उसकी आउटर लेयर, जो उसका बाहर का कवच है, वो टूट जाता है और वो वायरस मर जाता है। तो हमें मुख्य तौर पर उसका बाहर का कवच तोड़ना है और वायरस को मार देना है। तो आपको ये खास बात ध्यान देनी है कि जब भी आप हाथ धोना स्टार्ट करते हैं तो वायरस का कवच टूटना और वायरस का मरना, ये काम होने में लगभग 20 सेकंड का वक्त लगता है। तभी आपने देखा होगा कि लगभग जितनी एडवर्टीजमेंट है या जितने लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं वो कह रहे हैं कि मिनिमम 20 सेकंड के लिए आप हाथ जरूर धोएं। तो सबसे पहले ये बात हुई हमारी सोप हम पर कैसे काम करता है। दूसरी तरफ हम बात लेते हैं कि सैनिटाइजर हम पर कैसे वर्क करता है। तो कोई भी जो सैनिटाइजर होता है उसमें क्या है, उसमें अल्कोहल है। तो सैनिटाइजर हमें 60% कंसंट्रेशन से हाई चाहिए। दूसरी बात, सैनिटाइजर में, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि उसमें ग्लिसरीन होना चाहिए ताकि वो थोड़े ज्यादा वक्त तक हमारे स्किन से टच में रहे, तो सैनिटाइजर का अल्कोहल भी सेम काम करता है। मेनली एक वायरस के प्रोटीन को तोड़ देता है और सेल को ब्रेक कर देता है। तो इस तरीके से हम अपने हाथों को वायरस फ्री करते हैं। लेकिन इन दोनों, इस पूरी डिबेट के अंदर अगर आप देखें तो सोप सॉल्यूशन ओवरऑल ज्यादा असरदार है आपके सैनिटाइजर से। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा वक्त तक आपके हाथ के टच में है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि जब भी आप घर पर रहें तो साबुन से हाथ धोएं। साबुन कैसा भी हो, साबुन महंगा होना या किसी खास मेडिकेटेड कंपनी का होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सस्ते से सस्ता चाहिए, जो कोई भी साबुन आपकी स्किन पर फ्रेंडली आपको लगता हो वो आप यूज कर सकते हैं।
लेकिन खास चीज ये है कि 20 सेकंड से ज्यादा वक्त तक आपने हाथ धोना है, तभी वो वायरस जो है उसकी फैट की लेयर ब्रेक होगी और वो मरेगा। तो मुझे लगता है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक ये जानकारी जरूर शेयर करें। सजग रखें, संयम बरतें, अफवाहों को फैलने से रोकें। धन्यवाद।